जी तो भी बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नूडल्स तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई तो मेरी मम्मा के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन क्लिक करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं निम्रा और आप लोग देख रहे हैं मेरी खाना अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करके क्या दिखाई दूँगी। दोस्त पहले मेरी मामा आपको बनाना सिखाई बहुत ही मज़े की डिशेज, तो आज मैंने सोचा कि मैं भी आपको एक मज़े की डिश बनाना सीखूँ। दोस्त इन बच्चों की हेल्दी डाइट क्या और इसके लिए जो जो अज्जा आपको चाहिए वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। इसके लिए मैंने नूडल्स लिए हैं, दो चाटे, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, एक चुटकी नमक और एक चुटकी काली मिर्च, और मैंने एक गाजर ली है, एक आलू लिया है, एक पीस चिकन का लिया है, थोड़े से मटर लिए हैं और तीन कप पानी के लिए हैं। व्यूअर्स पहली बात मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ें बच्चों को खुद नहीं खानी चाहिए, चूल्हा भी नहीं जलानी चाहिए, ये चीज़ों की हेल्प भी मैंने अपनी मामा और खाला से ली है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब हमने ये पानी चूल्हे पर रख दिया है, तो अब हम इसमें आलू बनने के लिए डाल देंगे। बिस्मिल्लाह, तो व्यूअर्स हमारे आलू बच गए। चले चेक करते कि ये वाले हैं या नहीं, तो चेक कर लेती हूँ। ये मैंने एक ही डाला क्योंकि मैंने इसको उबल चुके हैं। चले अब हम सालों को डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। पानी में साथ ही मटर भी डाल देते हैं, क्योंकि अगर हम इसी पानी में डालेंगे तो ये जल्दी बच जाएंगे क्योंकि पानी गर्म हो रहा है। जितने भी बस हमारे मटर उबल चुके हैं और अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। हमारे मटर उबल चुके हैं, अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। जी तो भी बस अब हम इसी ही पानी में गाजरें भी डाल देते हैं। जी तो भी बस हमारी गाजर भी उबल चुकी है, अब हम इसको डिश आउट करने लगे हैं। जी तो व्यूअर्स हमारे सारे वेजिटेबल्स बॉयल हो चुके हैं और अब मैं इसमें चिकन पीस डालने लगी हूँ। हमारा चिकन पीस है ना वो बॉईल हो चुका है, अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। व्यूअर्स जो मैंने थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल लिया और अब मैं इसको पैन में डाल लेती हूँ, और जो मैंने एक पीस लिया था चिकन का उसको मैंने बॉईल कर लिया था, मैंने इसके पीछे कहीं ये भी मैं इसमें शामिल कर लेती हूँ। बस मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, अगर आप लोग चाहें तो आप इसको फ्राई ना भी करें तो आप इसको बॉईल ही डाल सकते हैं। बस चिकन फ्राई हो चुका है, अब हम इसी के अंदर पानी ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसमें नूडल्स ऐड करेंगे। तीन कप पानी मैं डाल दूँगी, वन दिखाई थी। जी तो अब मैं इसमें ये साशे ऐड करूंगी,
और ये नूडल्स भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मैंने इन नूडल्स को छोटा काट लिया था, आप चाहें तो आप लंबे भी रख सकते हैं, लेकिन छोटे ज़्यादा बेहतर है। पहले मैंने इनको थोड़ा सा मिक्स किया है और अब मैं इनमें डालूंगी जो मैंने वेजिटेबल्स बॉइल किए थे। और अब हम तकरीबन इसको 10 से 20 मिनट पर हल्की आंच पर पकाएंगे। जी तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नूडल्स तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई तो मेरी मम्मा के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन के कोच बटन दबाना मत भूलें ताकि आपको मेरी मम्मा के आने वाली हर नेक्स्ट वीडियो मिल सके। चलिए अब हम टेस्ट करते हैं कि हमारे नूडल्स कैसे बने हैं।